हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया का एक ऐसा रिचार्ज पोर्टल जो इस वक्त बहुत ही बेस्ट चल रहा है, जो इस टाइम बहुत ही अच्छा कमीशन प्रोवाइड कराता है, बहुत ही अच्छा कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके जो रिचार्ज हैं वो बहुत ही कम पेंडिंग में जाते हैं। तो दोस्तों, आपने मेरे इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मुझे पता है आपको तलाश है एक ऐसे रिचार्ज पोर्टल की जिसमें आपको ये सारी सर्विसेज मिल सकें और आपका कोई भी रिचार्ज पेंडिंग ना जाए, कमीशन भी बहुत अच्छा मिले और साथ में आपको कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिले। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसे पोर्टल के बारे में जिसमें ये सारी सर्विस आपको मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्किल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी सर्विसेज के बारे में बता देता हूं। इस पोर्टल का नाम है दोस्तों KMB सॉफ्टटेक। इसके अलावा दोस्तों, आपको इसकी आईडी मिल जाएगी सिर्फ 49 रुपीज में, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी 299। नीचे आपको वीडियो में दिख रहा होगा जो नंबर यहाँ पर रन कर रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आईडी ले सकते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं इसकी सर्विसेज की दोस्तों। तो सबसे जो मेन सर्विस है इसकी वो है रिचार्ज की दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा बेस्ट ये रिचार्ज में है पोर्टल। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्विस जो हमें मिलती है, तो पहले नंबर पर आपको दिख रहा है प्रीपेड, दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा है पोस्टपेड। जी हाँ दोस्तों, रिचार्ज और पोस्टपेड बिल पेमेंट दोनों सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन का बिल सबमिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको 2% का फ्लैट कमीशन मिलता है, बहुत ही अच्छा कमीशन यहाँ पर आपको मिल रहा है दोस्तों। इसके अलावा आपको पैन कार्ड की सर्विस इसमें मिल जाती है। इसके अलावा पाइप गैस बिल की सर्विस आपको मिलेगी यहाँ, ब्रॉडबैंड की सर्विस भी आपको मिलेगी, वाटर बिल भी आप जमा कर सकते हैं, DMT भी कर सकते हैं और AEPS भी इससे यूज कर सकते हैं दोस्तों। मनी ट्रांसफर और आधार एनेबल पेमेंट भी इससे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जिसकी वजह से ये फेमस है पोर्टल, वो है आपका प्रीपेड रिचार्ज। दोस्तों, यहाँ पर प्रीपेड रिचार्ज में आपको फ्लैट 5% का कमीशन मिलता है इस पोर्टल में, जो शायद है अभी तक कोई भी पोर्टल नहीं दे पा रहा है। अगर वो कोई पोर्टल देता है आपको तो उसकी कनेक्टिविटी में या फिर किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जरूर नजर आएगी। दोस्तों, KMB सॉफ्टटेक एक ऐसा पोर्टल है दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा कस्टमर सपोर्ट बनाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर इतनी सारी सर्विस आपको मिल जाती है, लेकिन जो मेन सर्विस है वो इसकी प्रीपेड और पोस्टपेड और DTH रिचार्ज है। इन्हीं सर्विसेज की वजह से लोग इसको परचेज करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी कमीशन की, तो यहाँ पर आपको रिटेलर के लिए मिलता है फ्लैट 5% कमीशन। अगर हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो यहाँ मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को 6% फ्लैट कमीशन दोस्तों। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में 2% का फ्लैट कमीशन यहाँ पर मिलता है। और हम अगर DMT और AEPS की बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये पोर्टल लेना चाहते हैं तो आप जैसे ही ये पोर्टल लेंगे वहां से आप AEPS और DMT के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। AEPS और DMT आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अब हम चलते हैं दोस्तों इसकी कॉस्टिंग पर और इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर के कहां से आपको आईडी मिलेगी। तो दोस्तों, यहां पर देखिए कॉन्टैक्ट फॉर आईडी, यहाँ पर रिटेलर आईडी आपको सिर्फ 49 रुपए में मिलती है और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सिर्फ आपको 299 रुपए में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, जो अलग अलग सर्विसेज हैं वो अलग अलग एक्टिवेट करानी पड़ती हैं आपको। अगर आपको ये आईडी लेनी है तो आप कॉल कर सकते हैं 7053046295, और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो vpashish808@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं दोस्तों। अब इस पोर्टल की सर्विस के बारे में बात हो गई और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बात हो गई। अब जो मेन चीज है जिसकी वजह से आप इस पोर्टल को लेना चाहते हैं वो है इसका कस्टमर सपोर्ट दोस्तों। बहुत ही अच्छा कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर बिल्ड किया है। इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी वेबसाइट पर। इसकी वेबसाइट पर जाने के लिए दोस्तों, आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है आपको KMB सॉफ्टटेक सॉल्यूशन। ये देखिए, यहाँ पर ये टाइप करना है तो आपको पहला जो लिंक नजर आएगा panel.kmbsoftech.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसकी जो आईडी है वो यहाँ एंटर करनी होती है और इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ एंटर करके आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। लेकिन अगर आप रिटेलर हैं तो दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन यूजर पर आपने क्लिक रहने देना है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसको मोबाइल में यूज करना तो मोबाइल की ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप।
मोबाइल की ऐप भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है और मोबाइल से भी बहुत अच्छा APS, DMT और मोबाइल रिचार्ज का पोर्टल आप चला सकते हैं। तो यहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ID और पासवर्ड एंटर करके पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से आपको यहां पोर्टल नजर आता है। इस तरह से इंटरफेस है, बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। आप अगर ज्यादा टेक्निकल नहीं है तो आप फिर भी इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम बात कर रहे थे सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ देखिए कॉर्नर में आपको नजर आएगा सपोर्ट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ देखिए कितना अच्छा कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर इन्होंने बिल्ड किया है। यहाँ कस्टमर केयर के पूरे 3 नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं जिन पर आप फ्रीली कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। इसके अलावा आप मेल करना चाहते हैं तो यहाँ से मेल कर सकते हैं। अकाउंट एंड फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आपको भी यहाँ पर 3 नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पर एक मेल आईडी भी आपको दी हुई है। तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर मोबाइल टोल फ्री नंबर, दोस्तों जिसका आप रिचार्ज कर रहे थे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ पर मोबाइल कंपनी से आप बात करने के लिए यहाँ सबके नंबर दिए हुए हैं। देखिए आइडिया, एयरटेल, BSNL सारे यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर DTH टोल फ्री नंबर, दोस्तों DTH में अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर DTH की सारी कंपनियों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, दोस्तों इनके सारे आपको कस्टमर केयर नंबर दिए हुए हैं। आप किसी पर भी कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करा सकते हैं दोस्तों। तो ये तो बात रही कस्टमर सपोर्ट की दोस्तों। इसके अलावा एक चीज जो सबसे बेस्ट यहाँ पर मुझे नजर आती है वो है यूजर रिपोर्ट। दोस्तों यूजर रिपोर्ट एक ऐसा इंटरफेस है जहां पर आपको जितनी भी सर्विसेज आप यूज करते हैं सभी सर्विसेज का डिस्प्यूट फॉर्म आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ यूजर रिपोर्ट में जाएंगे, रिचार्ज रिपोर्ट, DMT रिपोर्ट, APS रिपोर्ट, जितनी भी सर्विसेज आप यहाँ पर यूज करते हैं तो वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। आप जिस पर भी डिस्प्यूट फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहां से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इतना अच्छा कस्टमर सपोर्ट अब से पहले मैंने किसी भी रिचार्ज पोर्टल में नहीं देखा है दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो को हम फिनिश करते हैं, लेकिन फिनिश करने से पहले आपको पोर्टल को थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसे आपको इस पोर्टल को यूज करना है। डैशबोर्ड पर जाइएगा, यहाँ पर देखिए ये मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सर्विसेज दी हुई हैं, क्या क्या सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं, प्रीपेड, पोस्टपेड, DTH, लैंडलाइन, सारी सर्विसेज आपको यहाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें डैशबोर्ड है पहला, दूसरा फंड रिक्वेस्ट, अगर आप फंड रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। इसके अलावा सर्विसेज, देखिए यहाँ पर सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जो भी आपको यूज करनी है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको एक क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर आपको प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करना है तो इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर अपना देखिए मोबाइल नंबर एंटर करिए जिसमें रिचार्ज करना है, उसके अलावा यहाँ पर ऑपरेटर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर सर्किल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अमाउंट लिख के पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको पिन डालना होगा और रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाता है। ऐसे ही आपको जो भी सर्विस यहाँ पर यूज करनी है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कमीशन के बारे में दिया हुआ है, सिलेब डिटेल्स और पैकेज कमीशन डिटेल्स, यूजर रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 वॉलेट आपको नजर आते हैं, पहला प्रीपेड वॉलेट है, रिचार्ज जो वॉलेट है वो यहीं से आपको रिचार्ज का अमाउंट डिडक्ट होता है, इसके बाद मिनी बैंक यहाँ पर, उसके बाद यूटिलिटी, 3 तरह के वॉलेट यहाँ पर दिए हुए हैं। हम डैशबोर्ड पर चलते हैं वापस। डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको मिल जाती है, यहाँ पर लेजर मिल जाता है अकाउंट का चेक करने के लिए, परचेज हिस्ट्री, सेल समरी, डे बुक और फंड रिक्वेस्ट यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं टुडे की सेल यहाँ पर दिखेगी, टुडे की परचेज यहाँ पर दिखेगी, टुडे अर्निंग यहाँ पर दिखेगी और टुडे रिफंड अमाउंट, अगर कोई रिचार्ज पेंडिंग होकर वापस आया है तो यहाँ पर रिफंड अमाउंट भी दिखाई देता है। तो इस तरह से बहुत ही इजी सा इंटरफेस है, इसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ देखिए हम अगर यहाँ अपनी आईडी के नेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें माई बैलेंस का ऑप्शन, अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन, कॉल मी का ऑप्शन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कॉल मी पर क्लिक करके तो आपको कंपनी कॉल कर लेगी। इसके अलावा पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, पिन नंबर चेंज करना चाहते हैं, वो सारी चीजें, अगर आप किसी और डिवाइस में लॉगिन हैं तो यहाँ क्लिक करके आप सारी डिवाइस से लॉग आउट हो सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही इजी सा प्रोसेस है इसका। मुझे पता है दोस्तों आपको ये पोर्टल बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पोर्टल लेना है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिर से दिखा देता हूँ। रिटेलर आईडी सिर्फ 49 रुपीज ओनली, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 299 ओनली। कॉल कर सकते हैं आप 7053046295 और मेल कर सकते हैं vpashish808@gmail.com। तो दोस्तों हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक था और मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।